के बेटे यीशु मसीह और उलकुच के नाम से आमीन। अहले वतन को 70वां यौमे आजादी तहे दिल से मुबारक हो। मैं आज यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आजादी का मतलब बेराहरवी नहीं है, बल्कि मुतमईन जमीर और दिल के साथ कानून और मजहब का एहतराम है, जिसमें रहकर हम जश्न आजादी कर सकते हैं। सो ये प्यारा वतन मुल्के पाकिस्तान इतनी आसानी से हमें हासिल नहीं हुआ, लाखों कुर्बानियां दी गई, ये खून और आग का दरिया अबूर करके हमें हासिल हुआ है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना की क़यादत में अरसे पाक का ये टुकड़ा हमें नसीब हुआ, इसके लिए लाखों लोग शहीद हुए और हजारों बेटियों की इस्मत दरी की गई। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि अक्सरियती तबका के साथ साथ मसीही बरादरी का भी इस मुल्क की बुनियादों में ना सिर्फ खून पसीना बल्कि वोट भी शामिल है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान किसी जर्नल ने या किसी फौज ने फतह नहीं किया, बल्कि ये वोट की ताकत से बना और मसीहों ने पाकिस्तान और मुस्लिम लीग और कायदे आजम के हक में वोट डालकर पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम के जानसार साथी दीवान बहादुर एसपी सिंगा साहब ने हर महाज पर पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, वो चाहे बाउंड्री कमीशन के खिलाफ एहतजाज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, धोबी घाट में जो फैसलाबाद में जलसा हुआ उसमें स्पासनामा हो, लाहौर के होटल में कायदे आजम और रुफकाकार का अशाया हो, या मिंटो पार्क में मसीहों की कसीर तादाद की शिरकत हो, हर महाज पर पाकिस्तान के मसीहों ने कायदे आजम का साथ दिया और मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून पसीना बहाया। जब हिजरत करके लाखों लोग पाकिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान से आए तो हमारे बुजुर्गों ने अपने अस्पतालों के, अपने चर्चेस के और अपने स्कूलों और घरों के दरवाजे और दिल महाजरीन के लिए खोल दिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी रहाइश का, उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त, अफवाज पाकिस्तान हो या तालीमी अदारे हो या तिब का मैदान हो, हर मैदान में पाकिस्तान के मसीहों ने अपनी जानें लड़ा दी हैं और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं। मकामे अफसोस है कि हमें कहना पड़ता है कि हम महिपे वतन है, हम पाकिस्तानी हैं, इसके बावजूद हम पाकिस्तान के साथ प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान, हमारी बान और हमारा सब कुछ है। हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान हमारे लिए है। यहाँ पर बहुत दिल दुखाने वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन उनसे कता नजर आज हम यौमे आजादी जो है वो मना रहे हैं और हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। खुदा ताला इस मुल्क को अपनी पनाह में रखे और ये मुल्क ता क़यामत कायम रहे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद।